हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। आज जो हमें टॉपिक जानना है, कौन सा जानना है? टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हम किसी कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, तो उसमें हम बेसिकली क्या फोकस करते हैं? हम फोकस करते हैं इकोनॉमी के बेसिस पे करते हैं। जब हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ डिवाइड करते हैं, हम कहते हैं ना कि कौन सी सबसे ज़्यादा रिच है, कौन सी सबसे ज़्यादा पुअर है, तो हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को फोकस करते हैं। हम देखते हैं अगर जिसकी ज़्यादा इकोनॉमी होती है ना, जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है और जिसकी पर कैपिटा इनकम कम होती है, तब हम कहते हैं कि जिसकी ज़्यादा होगी वो रिच कंट्री है, जिसकी कम होगी वो कौन सी है, पुअर कंट्री है। तो हम इसके बाद हम आगे जानेंगे इसमें। अब जो 10th नंबर पे जो कंट्री आती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो आती है आपके कनाडा। उसकी जो पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से है वो कितनी है, 3,77,42,154। इसकी जो GDP की जो IMF की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2019 की, उसके हिसाब से इसकी GDP कितनी है, $1.74 trillion। और GDP जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से कितनी है इसकी, $1.53 trillion। पर कैपिटा इनकम कितनी है इसकी कनाडा की, $40.53 million है इसकी। टॉप 9 पे आती है आपकी ब्राजील। पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से कितनी है इसकी, 21,25,59,470। GDP IMF की जो रिपोर्ट थी 2019 की वो कितनी है, $1.96 trillion। और जो GDP यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से कितनी है इसकी, $1.80 trillion। और जो पर कैपिटा इनकम है ना ब्राज़ील की कितनी है, वो $8.45 million। अब जो 8 नंबर पे आती है कंट्री कौन सी है, इटली। पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से कितनी है इसकी, 6,04,61,826। GDP की जो IMF की रिपोर्ट थी उसमें कितनी है इसकी, $2.83 trillion। GDP यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से कितनी है इसकी इकोनॉमी, $1.86 trillion। पर कैपिटा इनकम कितनी है इसकी, $30.75 million। अब जो 7th नंबर पे आता है वो है इंडिया। इसकी जो पॉपुलेशन है इंडिया की हमारी 2020 की कितना है, 130 करोड़ है हमारी, 8,04,385 है। GDP की जो IMF की रिपोर्ट है वो कितनी, $2.97 trillion है। GDP यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से हमारी इकोनॉमी कितनी डॉलर में, 2.26 trillion है। पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारी, $1.64 million है हमारी। अब आता है 6th नंबर पे फ्रांस। फ्रांस एक बहुत बढ़िया कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। इसकी जो पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से है वो है 6,52,73,511। GDP IMF की रिपोर्ट कितनी है, $2.76 trillion है। GDP यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कितनी है, $2.47 trillion है इसकी। पर कैपिटा इनकम फ्रांस की कितनी है, $37.77 million।
और फिफ्थ नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम। पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से कितनी है इनकी, 6,78,86,011। जीडीपी आईएमएफ की जो रिपोर्ट है $2.86 trillion है। जीडीपी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कितनी है $2.65 trillion। पर कैपिटल इनकम कितनी है 39.01 million। अब फोर्थ नंबर पे आता है जर्मनी। जर्मनी की पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से है 8,37,83,942। जीडीपी आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसकी उसमें कितनी है $3.96 trillion। जीडीपी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से $3.48 trillion। पर कैपिटल इनकम जर्मनी की कितनी है $41.51 million। अब थर्ड नंबर पे आता है जापान। पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से कितनी है 12,64,76,461। जीडीपी आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसमें कितना है $5.18 trillion। जीडीपी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से कितना है $4.94 trillion। पर कैपिटल इनकम जापान की कितनी है $39.03 million। नंबर टू पे आता है चाइना। इसकी पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से है 140,93,23,776। जीडीपी जो $ कितने 14.22 trillion। जीडीपी $11.22 trillion है। पर कैपिटल इनकम कितनी है $7.79 million।
नंबर वन पे आता है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका। अमेरिका पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से है 33,10,02,651। GDP IMF की रिपोर्ट कितने US $21.34 trillion। GDP यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से US $18.62 trillion। पर कैपिटा इनकम यूनाइटेड नेशन की कितनी अमेरिका की US$56.27 billion। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड richest country in the world। तो ये था आज का टॉपिक। हमने किसके बारे में जाना, टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज़ के बारे में जाना इन द वर्ल्ड में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ।